या खुदा अपनी रहमतों से सबके दिलों को नेक कर दे, इस ईद पर मेरे मुल्क के लोगों को फिर से एक कर दे। ईद उल फितर का त्यौहार भाईचारे और प्रेम का त्यौहार है। ईद उल फितर को मीठी ईद के नाम से जाना जाता है। रोज़ा समाप्त होने पर इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार रमज़ान के बाद 10वें शव्वाल की पहली तारीख को ईद उल फितर मनाई जाती है। इस दिन लोग सुबह नए कपड़े पहनकर नमाज अदा करते हुए अमन और चैन की दुआ मांगते हैं। ईद पर ज़कात गरीबों और ज़रूरतमंदों के लिए निकाली जाती है। इस्लाम की तारीख के मुताबिक ईद उल फितर की शुरुआत जंगे बद्र के बाद हुई थी। इस जंग में मुसलमानों की फतेह हुई, जिसका कयादत स्वयं पैगंबर मोहम्मद साहब ने किया था। युद्ध फतेह के बाद लोगों ने ईद मनाकर अपनी खुशी जाहिर की। ईद उल फितर में मीठे पकवान, खास तौर पे सेवइयां बनते हैं। मीठी सेवइयां घर आए मेहमानों को खिलाई जाती है। दोस्तों और रिश्तेदारों में ईदी बांटी जाती है। लोग एक दूसरे के गले मिलकर ईद की मुबारकबाद देते हैं। यह त्यौहार भाईचारे का संदेश देता है। ईद खुशी का दिन है, यह हमें मिलजुल कर रहना सिखाती है। रात को नया चांद मुबारक, चांद को चांदनी मुबारक, फलक को सितारे मुबारक, सितारों को बुलंदी मुबारक, और आप सबको हमारी तरफ से ईद मुबारक।